हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस तो हम सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट मॉड्यूल से शुरुआत करने लगे हैं सिविल इंजीनियरिंग के हम सेमेस्टर थ्री के मॉड्यूल से शुरुआत करेंगे राइट सेमेस्टर थ्री से हम लोग शुरुआत करेंगे और हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स राइट हम मकैनिक्स ऑफ मटीरियल से हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपल कहानी की तरह हम पूरे सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे वर्ड्स को अप्रोच करेंगे ठीक है हमारा प्राइम फोकस जो रहेगा हमारा प्राइम फोकस है सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो कि हमें बहुत बढ़िया तरीके से पास करने हैं तो हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम लोगों को कोई पीएचडी नहीं करनी हम लोगों को इन डेप्थ नहीं जाने की ज़रूरत इतना है कि हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह आने चाहिए ताकि जो भी मेरे सवाल आएंगे एग्ज़ाम के अंदर उसको मैं एक कहानी की तरह लिख पाऊँ साथ ही साथ अगर न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत प्यारे तरीके से मैं उसको लिख सकूँ सॉल्व कर सकूँ वो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है राइट तो हम लोग रिलैक्स करके एकदम सब्जेक्ट के अंदर अप्रोच करेंगे और इसको हम कहानी की तरह समझेंगे तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा अपने साथ एक पेन और एक पेपर लेके बैठिएगा और जो जो मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा है हमें सिर्फ वही लिखना है जो जो मैं एग्ज़ाम्पल भी दूंगा उसको आप थ्योरी में अगर अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा रिटेन करेगी और अगर आप उसको सीधा सीधा एग्ज़ाम्स के अंदर भी लिख देंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे राइट right? बिकॉज हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के अंदर जा के हम लोग समझेंगे कहानी की तरह क्या है ये मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स क्या है ये सब्जेक्ट का बेसिस राइट right? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल समझते हैं कि हम एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स है क्या मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स कुछ नहीं है एज सिविल इंजीनियर्स हमें मटीरियल्स की जान पहचान होनी ज़रूरी है हाउ माई मटीरियल बिहेव वेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू सर्टन काइंड ऑफ लोडिंग जब भी मैं उस पर कोई दबाव डालूंगा जब भी मैं उस पर कोई लोडिंग डालूंगा तो वो बिहेव कैसा करेगा तो उसका बिहेवियर मुझे पता होना चाहिए राइट right? क्योंकि वही मटेरियल्स मैं अपनी बिल्डिंग्स में यूज़ करूँगा वही मटेरियल्स मैं अपने रोड्स में यूज़ करूँगा वही मटेरियल्स मैं अपनी रेलवे लाइंस में यूज़ करूँगा मुझे उसका बिहेवियर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दोज मटेरियल्स विल बी सब्जेक्टेड टू लोडिंग अब जब उस पर लोडिंग लगेगी तो वो किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करेगा किसी ना किसी तरीके से मूव करेगा डिफ्लेक्ट करेगा रेजिस्ट करेगा तो उसको मुझे समझना बहुत ज़रूरी है राइट right, मकैनिक्स क्या है यही तो है मकैनिक्स हम फोर्सेस और डिफ्लेक्शंस को पढ़ते हैं राइट right? फोर्सेस और डिफ्लेक्शंस को पढ़ना हमारा काम है मटेरियल्स के इस मकैनिक्स और मटेरियल सब्जेक्ट में राइट right? तो सबसे प्राइम मोस्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है स्ट्रेस वो है स्ट्रेस अब इसको हम लोग देखते हैं कि अगर एक मटेरियल के ऊपर कोई भी मैं ये बार ले लेता ले ले हूँ या रॉड ले लेता ले हूँ उस मटेरियल के ऊपर मैंने क्या करा एक लोड लगाया मैंने क्या करा एक लोड लगाया लोड लगाने के बाद वो मटेरियल अंदर से इनसाइड वो किस तरीके से उस एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करेगा उसको मैं क्या बोलूँगा स्ट्रेस बोलूँगा राइट right? जिस तरीके से वो रेजिस्ट करेगा अंदर से उस लोड को और जैसे वो रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होगी मेरे पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर वो क्या है स्ट्रेस है अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कहानी की तरह सुनना यार क्या है कि रेगुलर लाइफ में आपके ऊपर एक स्ट्रेस एक सर्टन सिचुएशन आ जाती है आप कहते हो तो यार स्ट्रेस हो रहा है बड़ा क्या है वो चीज़ वो कुछ नहीं है वो सेम कॉन्सेप्ट है ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस की वजह से एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से आपके ब्रेन में वो चीज़ आती है तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैं उसको कितना भाव देता हूँ भाई एक सिचुएशन है कुछ हुआ मेरी लाइफ में मैं उसको जितना भाव दूंगा अगर जितना मैं उसको भाव दूंगा जितना मैं रजिस्ट करूंगा उसको राइट द मोर द रजिस्टेंस मोर विल बी द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड राइट मोर विल बी द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बट अगर मैं उस रेजिस्टेंस को या फिर जो मेरी एक्सटर्नल सर्कम है उसको मैंने एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया तो क्या हुआ कोई रेजिस्टेंस हुई नहीं हुई जब भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी वहां पे वहां पे क्या है स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा राइट वहां पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा सिंपल सो स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल अब यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया था वो मटेरियल कौन है मटेरियल मैं क्योंकि मेरे पे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस आया था मेरे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रहा था मटीरियल मै राइट अब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है और ये रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगी ऑब्वियसली अगर मैं किसी को खींचने की कोशिश करूंगा दबाव डालने की कोशिश करूंगा तो एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे अंदर कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो तो उसको रेजिस्ट करने के चक्कर में मैं अपने अंदर स्ट्रेस डेवलप कर लूंगा राइट उसको रजिस्ट करने के चक्कर में मैं स्ट्रेस डेवलप करूंगा सिंपल अब वही चीज़ है इस बार के ऊपर अगर मैं पी फोर्स लगाता हूँ अगर मैं पी फोर्स लगाता हूँ बकायदे जो मेरी ये पी फोर्स है वो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन कट करूँ यहाँ पे मैंने एक सेक्शन कट किया और इसको सामने से देखा तो ये एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है एग्जाम्पल है ये और ये जो पी फोर्स है दिस इज़ एक्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट पूरे क्रॉस सेक्शन पे, जहाँ पे सारा वेट आके सेटल uh, होता है राइट right? वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो जो मेरी पी फोर्स है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहां पे लग रही है राइट सो दिस इज माई अप्लाइड फोर्स राइट दिस इज माइ अप्लाइड फोर्स है दिस इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए राइट right? इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए अब मैंने यहां एक सेक्शन कट किया अब सेक्शन कट करने के बाद मैंने देखा इस पी फोर्स के लिए जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है उसको मैंने डिनोट किया है सिग्मा राइट right? इसको मैंने डिनोट किया है सिग्मा सिग्मा इज नथिंग बट इंटरनल स्ट्रेस तो अब क्या है जो पी फोर्स है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस होल क्रॉस सेक्शन एरिया सो स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया बट यहां पे कॉन्सेप्चुअल चीज मेरे को क्या ध्यान में रखनी है दैट स्ट्रेस इज नॉट सिंपली फोर्स अपॉन एरिया नहीं ये वो नहीं है स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस अब आपके ये वाइवा में भी बहुत पूछेगा ये वाइवा में भी पूछेगा कि भैया स्ट्रेस के डेफिनेशन बताओ स्ट्रेस के डेफिनेशन कुछ नहीं है इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एरिया राइट इंटरनल रेजिस्टेंस बोलना जरूरी है इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल समझ लो ना समझो एक बात कि फोर्स मेरे ऊपर भी लग सकती है और मेरे किसी साथ के दोस्त पर भी लग सकती है बट इट विल बी डिफरेंट कोई सिचुएशन को कोई सेम सिचुएशन को मैं एक अलग तरीके से रिएक्ट करूंगा और जो मेरा साथी है वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा सो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द मटीरियल विच आई एम यूजिंग राइट ये मटीरियल पर भी डिपेंड कर रहा है तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेस क्या है स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करूंगा राइट right? उसके रोक उसको रोकने के चक्कर में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगी तो दैट इज कैलकुलेटेड एज फोर्स यूनिट पर यूनिट एरिया सिंपल राइट तो अब बात आती है इसके यूनिट की इसका यूनिट क्या है यूनिट इज नथिंग बट अगर मैं फोर्स का यूनिट लूँ फोर्स का यूनिट क्या है भाई न्यूटन होता है राइट right? न्यूटन ले लेते हैं ऐसा ही में हम बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट्स में बात कर रहे हैं इट इज़ न्यूटन राइट न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया अक्सर हम लोग एरिया जब हम न्यूटन लेते हैं तो अक्सर अक्सर कह रहा हूं हम लोग उसको एम एम स्क्वायर में लेते हैं उसको हम लोग एमएम mm स्क्वायर में लेते हैं और इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को हम लोग एम पी ए भी लिखते हैं राइट दिस इज मेगा पास्कल मेगा पास्कल माने टेन रेस्ट टू द पावर सिक्स न्यूटन पर एम एम मीटर स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसको आप सॉल्व करके देखना इसको आप सॉल्व करके देखना यही निकल के आएगा बिकॉज मीटर को जब मैं एम एम स्क्वायर में हटाऊंगा मीटर को जब मैं एम एम स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा दिस इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेन रेस्ट पावर सिक्स एम एम स्क्वायर तो टेन रेस्ट पावर सिक्स से टेन रेस्ट पावर सिक्स कट जाएगा तो आपका ये वाला यूनिट आता है तो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को हम लोग हम लोग उसको मेगा पास्कल भी लिखते हैं तो दिस इज जनरल यूनिट ऑफ योर स्ट्रेस अगर आप इस चीज़ को नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं राइट और अगर जो भी मैंने चीज़ बोली थी उसको आप एक कहानी की फॉर्मेट में आप लिखेंगे भी सवालों में या आपके वाइबा में आपसे पूछता है सिंपल आप इस तरीके से जवाब देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे राइट प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस चलिए अब देखते हैं स्ट्रेन क्या चीज़ है स्ट्रेन क्या है स्ट्रेन ऑब्वियसली पहले जो मेरी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही थी उसको रेजिस्ट करने के चक्कर में मेरा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था और वो डिफॉर्मेशन क्या है पहले स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है और उस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के चक्कर में हमें स्ट्रेस मिलता है राइट तो स्ट्रेन इज नथिंग बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफॉर्मेशन नाउ दैट डिफॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड पर यूनिट लेंथ दैट इज कैलकुलेटेड पर यूनिट लेंथ सो स्ट्रेन इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ और ये स्ट्रेन जब मैं ये स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक्जली लोडेड मेंबर्स, राइट अभी हमने क्या देखा था पीछे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो क्या है ये जो पी फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब जब ये P4 फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रही होती है तो उसको मैं बोलता हूँ एक्जली लोडेड उसको मैं बोलता हूँ एक्जली लोडेड अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ द मेम्बर जब मैंने लोड प्रोवाइड किया होता है उसको मैं बोलूँगा एक्जली लोडेड मेम्बर्स एंड दैट लोडिंग कैन बी टेंसाइल इन नेचर मैं खींच रहा हूँ टेंशन या फिर कंप्रेसिव इन नेचर या फिर कंप्रेसिव इन नेचर अभी तक मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो है टेंसाइल केस का बिकॉज जब ये एरो बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है दैट इज टेंशन और अगर इस एरो को मैं उल्टा कर दूं और कहूं फोर्स कुछ ऐसे लग रही है अंदर की तरफ तो वो क्या है कंप्रेशन तो मुझे ये नहीं लेना अभी मैं टेंसाइल का केस ले रहा हूं तो टेंसाइल के केस में क्या है डिफॉर्मेशन बाहर की तरफ होगी डिफॉर्मेशन बाहर की तरफ होगी एंड लेट दैट डिफॉर्मेशन बी इक्वल टू डेल्टा एल मैं ये डेल्टा एल को डिफॉर्मेशन लेता ले हूँ ठीक है अब मैंने क्या किया अब इस केस के अंदर जो डिफॉर्मेशन है उसको मैं क्या बोलूंगा एलोंगेशन उसको मैं बोलूंगा एलोंगेशन एंड इन द केस ऑफ टेंशन आई कंसिडर पॉजिटिव डिफॉर्मेशन अब जब मैं पॉजिटिव डिफॉर्मेशन करूंगा क्यों ले रहा हूँ बिकॉज दैट इज इलोंगेशन इन द केस ऑफ टेंशन इन द केस ऑफ टेंशन आई एम कंसिडरिंग इलोंगेशन पर अगर मैं कंप्रेसिव एक्शन लूंगा तब उस केस में कंप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है तब मैं नेगेटिव लूंगा तो मैंने बोला स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ बिकमिंग लॉन्गर वैन इन टेंशन एंड शॉर्टर वेन इन कंप्रेशन और जो ये इलोंगेशन है और जो ये शॉर्टनिंग है

राइट द समेशन ऑफ दीज टू अब यहां पे फाइनल लेंथ इसका एग्जाम्पल है पर अगर कंप्रेशन का मैं एग्जाम्पल लूंगा तो एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगी फाइनल लेंथ राइट एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगी फाइनल तो सिंपल स्ट्रेन इज नथिंग बट इलोंगेशन और शॉर्टनिंग पर यूनिट लेंथ इन एक्जली लोडेड मेंबर्स सिंपल आपको समझ आ गया कुछ नहीं है प्लीज टेक नोट ऑफ दिस चलो भैया अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो इस छोटे से एग्जाम्पल में क्या है हमें एक प्रिज्मेटिक बार दिया है प्रिज्मेटिक मतलब क्या होता है प्रिज्मेटिक मतलब होता है जिसके शार्प एजिस होते हैं प्रिज्मेटिक बार दिया है अब बार का हमें मटीरियल वटीरियल अभी कुछ नहीं गिवन बट अभी हम मटीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मटीरियल कैसे इफेक्ट होता है मटीरियल कैसे इफेक्ट करेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर बट सिंपल अभी अब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन सिर्फ एक बार गिवन है और उस बार के ऊपर टेन किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है अब उस बार के ऊपर 10 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है और उसकी लेंथ है 2.8 पॉइंट मीटर्स और वो कह रहा है कि सवाल के अंदर सवाल के अंदर ये गिवन है कि जो डिफॉर्मेशन है इस टेंसाइल फोर्स की वजह से दैट इज़ इक्वल टू 1.2 पॉइंट टू मतलब ये क्या है एलोंगेशन है बिकॉज टेंसाइल फोर्स आ रही है दिस इज योर एलोंगेशन तो इस एलोंगेशन को मैं क्या लूँगा पॉजिटिव इस एलोंगेशन को क्या लूँगा मैं पॉजिटिव अब हमें क्या करना है हमें क्रॉस सेक्शन गेवन गया कह रहे है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है अब 20 और 40 उसकी वो है डायमेंशन है इसकी जो डेप्थ है दैट इज़ 40 और ब्रेथ है इसकी 20 अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वी हैव टू फाइंड आउट द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन सिंपल हमें टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन निकालना है सिंपल दैट इज़ हमने पीछे फार्मूला देखा सिंपल वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और सबसे पहली चीज हमने जो डेफिनेशन में देखा था कि जो फोर्स है दैट शुड एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इस सवाल के अंदर वो चीज़ गिवन नहीं है पर ये मेरे लिए एक ऑब्वियस चीज़ है उसने मेरे से सवाल में क्या पूछा है टेन स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन तो मेरे पास और कोई तरीका तो है नहीं तो इसका अभी नहीं है बाद में हम देखेंगे क्या है पर सवाल से देख के ये लग रहा है कि उसने मेरे से सिर्फ यही दोनों चीज़ें पूछी हैं तो क्या है कि जो ये टेन किलो न्यूटन फोर्स है दैट इज एक्टिंग एट द सी जी आप सिंपल है क्या करेंगे सोल्यूशन हमें पता है टेंसाइल स्ट्रेसेस नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया राइट दैट इज़ फोर्स अपॉन एरिया सिंपल फोर्स क्या है टेन किलो न्यूटन राइट सो टेन इंटू टेन टू बाहर थ्री ले लेते हैं अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा न्यूटन्स के अंदर राइट right? और मुझे क्या है एरिया गेमन है ट्वेंटी एम एम इंटू फोर्टी एम एम सो ट्वेंटी एम एम इंटू एम एम राइट right. इसको सॉल्व कर लो दैट विल बी कम आउट दैट विल कम आउट फाइव 87.5 पी इट विल कम आउट एज 87.5 सेवन अब एम वही पे क्या है ये दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सिंपल दो नंबर का सवाल आपसे पूछ लेगा राइट right? अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम स्ट्रेन मोर स्पेसिफिकली टेनसाइल स्ट्रेन बिकॉज टेनसाइल एक्शन हो रहा है राइट right? अगर कंप्रेसिव होता तो कंप्रेसिव स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं राइट सिंपल डेल्टा एल वाई एल अब ये पॉजिटिव होना चाहिए अब डेल्टा एल क्या है वैल्यू 1.2 पॉइंट टू एम एम राइट वन पॉइंट टू एम एम सो पॉजिटिव वन पॉइंट टू एम एम राइट अब लेंथ क्या है टू पॉइंट एट मीटर मुझे बना तो मुझे इसको एम mm एम में कन्वर्ट करना होगा अब मैं इसको एम mm एम में कन्वर्ट करूँगा सिंपल टू पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर थ्री एम एम राइट सिंपल क्या स्ट्रेन का यूनिट है कोई क्या स्ट्रेन का यूनिट है तो इसकी वैल्यू आ रही है फोर पॉइंट टू एट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फोर ये स्ट्रेन का यूनिट है ऑब्वियसली स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी राइट ऑब्वियसली स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज एम एम से एम एम यहाँ पर कैंसिल हो गया तो so, स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है राइट स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी, आपसे ये ये छोटा सा सवाल है ये आपसे वाइवा में पूछ सकता है क्या स्ट्रेन का यूनिट होता है नहीं होता राइट right? हम कभी कभार स्ट्रेन को परसेंटेज में भी लिखते हैं हम इसको ये भी लिख सकते हैं फोर पॉइंट टू एट फोर इन टू टेन रिट टू द पावर माइनस टू परसेंट राइट अगर मैंने इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड टू गेट इन टू परसेंटेज अगर मैं स्ट्रेन को परसेंटेज में निकालूँ तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो उससे मेरे पास परसेंटेज स्ट्रेन आ जाएगा राइट right? सिंपल ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ सकता है आई होप आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई है राइट प्लीज़ टेक अट ऑफ दिस